पूरे बैरियर टाउन कराची में कोई प्रोजेक्ट, कोई बिल्डर, कोई सोसाइटी, कोई प्लॉट, कोई विला ऐसा नहीं है कि जो 25% पर बुकिंग देगा। अच्छा। पैरागॉन नहीं ऑफर करती है। तैयार की बात कर, तैयार की बात कर रहा हूँ, जहाँ लोग रहते हैं। जी वहाँ रहते हैं। अगर आपने भी रहना है 25% देंगे और आपने टावर ए में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाना है, टावर बी में बाकी अपने घर में रहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ मौजूद बहरिया अपार्टमेंट्स में मुदस्सर इकबाल, और मैं सबसे पहले कुछ भी बताने से आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इस तरफ देखिएगा कैमरा हमारा, जहाँ तक आपको दिखा सके, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ से इस तरफ ये इनर साइड है अपार्टमेंट्स की, यहाँ देखिए एक इस तरफ लाइन, रात का वक्त है ना, सारी गाड़ियाँ अपने अपने घरों में उन्होंने खड़ी कर ली हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है। इधर देखें, यहाँ भी ये सिर्फ एक साइड है। ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनकी तादाद है 3254, यानी कि 3254 अपार्टमेंट। बहरिया टाउन की तकरीबन 30-35% आबादी इन अपार्टमेंट्स में रहती है। बहुत हाइटेड नहीं है, गेटेड कम्युनिटी की तरह का एक तरह से लुक बन जाता है। इनर आउटर पार्क चीज़ें फैसिलिटीज़ सब कुछ है। अब जब ये अपार्टमेंट है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार इस किस्म के कोई अपार्टमेंट दिखाएं, ऐसी कोई कम्युनिटी दिखाएं, लेकिन लोगों के पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि यहाँ पर ख़रीदारी कर सकें। तो फिर आज आपके लिए ऐसी एक बेहतरीन चॉइस वो आपको मिलने जा रही है, उसका नाम है पैरागॉन टावर्स। बिल्कुल सेम तर्ज ऐसा है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा बेहतर, लेकिन उसमें इजाफा क्या है, वो गेटेड कम्युनिटी है। जिसने अंदर आना है, बता के आना है, जाना है, तो पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उसमें एक और इजाफा बड़ा ज़बरदस्त ये है कि वो आपको अपने अपार्टमेंट्स में ही नीचे शॉप्स भी मिल रही हैं, जहाँ पर लोग अपना कारोबार भी कर सकते हैं और आप ऊपर से नीचे उतरें और अपना सामान लें और वापस, लंबा चौड़ा दूर आने जाने का कोई टेंशन भी आपको नहीं है। लेकिन ये कैसे किस्तों पर आप ले सकते हैं, अभी किसी ने मूव होना है तो वो भी किस्तों पर कैसे आ सकता है, और अगर जिसको साल का मजीद इंतज़ार करना है वो कैसे है, वो अली रज़ा से हम जानते हैं। तो जनाब इससे भी अच्छे इसलिए मैं कहता हूँ पैरागॉन टावर्स को कि उसमें गेटेड कम्युनिटी होती है, आने जाने वालों का पता होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। गेट पे जब उन्होंने हमें रोका, किधर जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई, तो इस लिहाज से। लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज़ ये है कि बहुत लंबे चौड़े वो भी नहीं है और बहुत लंबे चौड़े ये भी नहीं है, खुली पार्किंग उधर भी मिलेगी इधर भी मिलेगी। मुझसे भाई ये अपार्टमेंट की मतलब कोई वो एक मैं कहता हूँ कि मवाजना नहीं है। बैरिया टाउन कराची ने जिस तरह फैसिलिटेट किया है और फैसिलिटेशन जारी है और जो फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, यकीन जाने कि मैं कहूँगा कि मैं तो बहुत मोतरफ़ हूँ फैसिलिटेट करने वालों का, इस पूरे मैनेजमेंट का। आप भी इधर रहते हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं सिक्योरिटी के जो आला अहदेदार हैं उनसे भी मुलाकात करता रहता हूँ, जानता भी हूँ पर्सनली। वो अपनी ताई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में आई जिसकी जिस बैरिया टाउन गेटेड यानी सिक्योर माहौल, सेफ्टी, लाइफस्टाइल, इंफ्रा, आउट क्लास, उन्होंने उस आउट क्लास में एक और कदम आगे बढ़ा दिया कि अपने प्रोजेक्ट को गेटेड कर दिया। इसके साथ यानी एक तो पैरागॉन की हम तारीफ करेंगे और इसके साथ इन ए लॉन्गर रन बैरिया टाउन की तारीफ है कि बैरिया टाउन में वो प्रोजेक्ट अवेलेबल है। गेटेड कम्युनिटी और तकरीबन 11 एकड़ पर मुहित ये पूरा एरिया है, जहाँ आपको पार्किंग, 4 टावर, मस्जिद, कंपाउंड, शॉप्स, एम्यूनिटी हॉल, ये सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं, और वो है पैरागॉन टावर्स। प्रीसेंट 17 और 16 के अहाते में मौजूद है, और ये अभी तो गेटेड है, लेकिन इन फ्यूचर, जो कि मेरी इंतज़ामिया से भी बात हुई है इस सिलसिले में, चारों अतराफ से भी ये गेटेड होगा, आई मीन उस वॉल के साथ वो कवर होगा। सही, तो ये बड़ी गेट लगाने का मकसद भी वो इसी तरह से, बाकी अतराफ से भी इसको सिक्योर किया जाएगा और बाउंड्री वॉल के अंदर कर लिया जाएगा। अच्छा, इसमें ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बात आपने याद रखनी है। तीन चीजें इसमें, तीन तरह के अपार्टमेंट्स हैं। एक बिल्कुल तैयार है जी, लोग रहते हैं,
रेडी टू मूव हैं, एक तकरीबन तैयार होकर डिलीवर हो रहे हैं जी लोगों को, और एक थोड़ा सा पहले तैयार हो जाएंगे, ग्रे स्ट्रक्चर वो तेजी के साथ है, दूसरा उसके पीछे पीछे, यानी कि चौथा टावर उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब कीमतों में भी फर्क है, किस्तों में भी फर्क है। अब हम आ जाते हैं उन चारों के जो रेडी टू मूव है, जिसमें लोग रहते भी, रिहायशी भी हैं, कुछ फैमिलीज भी रहती हैं, नीचे कुछ शॉप्स भी चल रही हैं, वो टावर से स्टार्ट करते हैं। क्या है वहाँ पर पेमेंट प्लान? टावर ए है वो। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है दो। पहले तो 25% आपने बुकिंग देनी है। मैं आपको बताता हूँ कि बैरियर टाउन कराची में जितना जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट रेडी होता है वो उतनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट बढ़ाता है। एग्जैक्टली कि यार 50% से अभी दें, बाकी किस्तों में दें। इन्होंने कहा कि हमारी प्रोडक्ट रेडी है, आप 25% पर भी बुकिंग करवा सकते हैं। इससे अहम और सबसे ज़्यादा अब वो एक लफ्ज़ यूज़ होता है, अवाम दोस्त, इन्वेस्टर दोस्त, रिहायशी दोस्त, इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि बुकिंग करवाएं, अपना सामान लेके आए, हमसे फाइल लें और शिफ्ट हो जाए। पूरे बैरिया टाउन कराची में कोई प्रोजेक्ट, कोई बिल्डर, कोई सोसाइटी, कोई प्लॉट, कोई विला ऐसा नहीं है कि जो 25% पर बुकिंग देगा। अच्छा। पैरागॉन ने ये ऑफर कर दी है। तैयार की बात कर रहा हूँ, जहाँ लोग रहते हैं जी, वहाँ रहते हैं। अगर आपने भी रहना है 25% देंगे और आपने टावर ए में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाना है, टावर बी में बाकी अपने घर में रहना है, यानी अपने अपार्टमेंट में रहेंगे, किस्तें देते रहेंगे। अब आप उसको रेंटल करें, उसको आप एज अ गेस्ट हाउस यूज करें, वीकेंड्स आए ना आए, ये आपका फैसला है। बट ये ऑफर बैरिया टाउन में किसी और ने नहीं दी। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पे कि टावर ए की कीमत क्या है। अच्छा मुदस्सिर भाई, यहाँ पर 1 करोड़ आपको 19 लाख का अपार्टमेंट मिलेगा। साइज भी बताइए पहले। 1400 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर, 2 बेडरूम, लाउंज, किचन सेपरेट, पाउडर रूम सेपरेट, स्टोर सेपरेट, लाउंज बहुत बड़ा है, टेरेस बहुत शानदार है, लॉबीज उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की है, जो टाइल्स का इस्तेमाल है, जो वुड का इस्तेमाल है, एक्सेप्शनल है टू बी ऑनेस्ट। मतलब कि बहुत अच्छे बिल्डर भी जो के हैं मार्केट के, उनसे भी फार अहेड, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। 1 करोड़ 19 लाख कीमत है, 25% आपने देना है, आपने कब्जा ले लेना है। अच्छा, अगर आपके पास 25% नहीं है तो आप बुकिंग करवा सकते हैं और फिर 25% तक पहुंचने पे आपको कब्जा मिल जाएगा। अच्छा, और आप अपने अपार्टमेंट में रहेंगे और तकरीबन 18 महीने तक का प्लान या कुछ महीने ऊपर भी कर सकते हैं हम आपको, आपको प्लान दिया जाएगा। आप टावर ए में अपने अपार्टमेंट में रहेंगे और किस्तें उतार रहे होंगे। ये टावर ए जहाँ तैयार है जी, 61 फैमिलीज, बड़ी जबरदस्त किस्म की सहूलत है ये। वैसे आज आपने दावा कर रही है, ये आज आपने मुझे बताया, ये पहले ये वाला था नहीं? नहीं, मैंने आपको बताया था, वो पता नहीं फिर। हाँ नहीं, आपने बताया ना, फिर मैं, मुझे तो याद, ये बड़ी एक यूनिक सी चीज है अली जो आप ये बता रहे हैं कि तैयार बिल्डिंग में सिर्फ 25%। ये तो फिर भाई मेरा तो मशवरा ये है कि तैयार बिल्डिंग में सबसे पहले कोशिश करें कि अगर आप इतनी अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं तो फौरी वहां पर कर लिया जाए। अब हम टावर टू की जानिब जा रहे हैं, टावर जो बी जिसे कहते हैं, वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तकरीबन तैयार है, उसका कब्जा बहुत जल्द मिल जाना है। सेम प्रोसेस उधर भी है। अच्छा, 25% आप देंगे, आपको कब्जा, और अमाउंट भी उतनी है। 1 करोड़ 17 लाख रुपए का वहाँ अपार्टमेंट है, बाद में फिर पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस हैं वो सेपरेटली हैं। यहाँ पर आपको 20 मंथ्स का, 18 से 20 मंथ्स का प्लान भी हम ऑफर कर सकते हैं इन टावर्स में। और अगेन हमारी डाउन पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी इंस्टॉलमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबा प्लान मिले ताकि इंस्टॉलमेंट्स कम हो जाए, उसके लिए आपको रुख करना होगा टावर सी और टावर डी का, जहां 24 से 26 महीने तक की इंस्टॉलमेंट्स भी आपको ऑफर की जा सकती हैं। पैरागॉन टावर्स में उनकी स्पेसिफिकेशन सेम है, 1400 स्क्वायर फीट है, सब एक तरह के हैं। और कीमत भी उतनी है जी, कीमत में फ़र्क है। 1 करोड़ 15 लाख का मिलेगा टावर सी और 1 करोड़ 12 लाख का मिलेगा टावर डी। और तैयार वो कब होंगे जी? उनकी जो डिलीवरी टाइम है, जो इंतजामिया कह रही है, वो 1 साल और 14 महीने का टाइम दे रही है। 1 साल 14 महीने में, तकरीबन 1.5 साल ही जी, आप कह सकते 1 साल 18 महीने ही बन जाएंगे। बिल्कुल, आप करते कह सकते हैं। तो ये बहरहाल बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जनाब। ये मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शंस में अगर कोई 2 बेड अपार्टमेंट में जाना चाहता है तो वो पैरागॉन है। पैरागॉन से ऊपर कोई नहीं है, अंदर हर चीज़ यार अली, हर चीज़ है, गेटेड कम्युनिटी है, आपको पूछा जाता है
कि आप किधर जा रहे हैं। खैर हमसे तो नहीं पूछते लेकिन आने वालों को पूछते हैं, फिर हम बताते हैं कि जी हमारे गेस्ट हैं, हमारे कस्टमर्स हैं। तो आपकी हमारी मुलाकात एडी रियल स्टेट में मिडवे कमर्शियल बी में होगी। अगर आपने हमारी यानी आप हमसे क्यूरी करना चाहते हैं और आप हमारे ऑफिस एडी रियल स्टेट आएँ, इंशाल्लाह जो बेस्ट कर सके करेंगे। और इसके साथ आखिर में एक और बात मैं कर दूं, टावर डी में शॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं आउटर साइड की, कंपाउंड की साइड की, वो भी हम आपको इंस्टॉलमेंट्स पर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। वो भी आपको इंस्टॉलमेंट्स पर देंगे, 2 साल के किस्तों के प्लान पर देंगे। तो जनाब शॉप्स के हवाले से भी इंशाल्लाह आप अगली वीडियो पे फिर वहाँ पर हम जी बिल्कुल करेंगे और साइट पर जाके करेंगे। और मुसलसल आप साइट की मुख्तलिफ वीडियोस हैं जो आप पैरेलल देख भी रहे हैं, अपार्टमेंट की भी वीडियोस देख रहे हैं कि वहाँ क्या मॉडल अपार्टमेंट की भी आप देख रहे हैं। एक और बात हम करना भूल गए हैं, वन बेडरूम भी इंस्टॉलमेंट्स पर नाज़रीन अवेलेबल है। बिल्कुल वन बेड जो है उसकी वो सेपरेटली वीडियो हम स्टूडियो अपार्टमेंट, हाँ स्टूडियो अपार्टमेंट वन बेड वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये बड़ी अच्छी जगह है, बाकी तो आप देखते हैं कमर्शियल एरिया में भी अपार्टमेंट ये वो, तो उसका पे भी आपको बैक बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो पैरागॉन नाम भी बड़ा है, आप रابطہ कर सकते हैं हमारे साथ, नंबर आ रहा है मुसलसल नीचे, अली रज़ा का, दानियल लखवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रابطہ करें। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट दीजिए। अल्लाह हाफिज़।